आज की हमारी क्लास का विषय है मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। इसके पहले हम पुराने हिंदी का क्लास में देख चुके हैं, पुराने हिंदी के बाद कैसे ये मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में परिणित हो रही थी। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में दो भाषाएं हैं, एक तो ब्रज भाषा, दूसरी अवधी। इसमें इस क्लास में हम ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास कैसे हुआ इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि ब्रजभाषा का जो समय है 10वीं शताब्दी से 14वीं 16वीं शताब्दी के बीच अगर मान सकते हैं, तो इस दौरान अरबों का तुर्कों का आक्रमण हुआ, काफ़ी साहित्य सामग्री प्रारंभिक जो स्रोत थे वो नष्ट हो गए, लेकिन जो बचे हुए हैं उन्हें के साथ कलेवर खड़ा करने का प्रयास किया गया है। इसमें हम ब्रजभाषा को ब्रजभाषा के विकास को चार भागों में बांट सकते हैं। एक तो सूरदास के पहले की ब्रजभाषा, सूरदास के समय की ब्रजभाषा, सूरदास के बाद जो रीतकाल आया इसके समय की ब्रजभाषा, और उसके बाद रीतकाल के बाद की ब्रजभाषा। ये चार भागों में बांट करके हम इस ब्रजभाषा के विकास को पढ़ेंगे। चार भागों में जो प्रारंभिक है सूर के पहले की ब्रजभाषा, इसमें जो प्रारंभिक ग्रंथ मिलते हैं प्राकृत पैंगलम और उक्त व्यक्ति प्रकरण में, इसमें ब्रजभाषा मिश्रित या ब्रजभाषा अपने प्रारंभिक रूप में दिखती है। जो उस समय के नाथ पंथ के संत थे, गोरखनाथ के शिष्य मत्स्येन्द्र नाथ, उनकी जो बाड़ी थी उस बाड़ी में भी ब्रजभाषा का विकास के उनके पद में ब्रजभाषा के विकास के तत्व तो हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे जोगी सोई जाड़िए जगते रहे उदास, जोगी सोई जाड़िए जगते रहे उदास, तत् निरंजन पाइए कहे मच्छंद्र नाथ। ये मत्स्येन्द्र नाथ की भाषा में इस तरह के हम देखते हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से ये ब्रजभाषा का झलक दिखाई देती है। इसके अलावा रहीम जो साहित्यिक रूप से पहले जो कवि हैं जिनके में साहित्यिक रूप से इसका विकास मिलता है, हालांकि इसमें फारसी खड़ी बोली और ब्रजभाषा सभी रूप मिलते हैं, लेकिन ब्रजभाषा का जो एक निष्कपट रूप हम देखने को पाते हैं वो अमीर खुसरो की पदों में पाते हैं। जैसे जो अमीर खुसरो के एक आध हम पद लिख देते हैं, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ को दो भय एक रंग। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ को दो भय एक रंग। मेरा मोसो सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिक्कन ना को दीसा, हे सक साजन ना सक सीसा। तो हम ये देखते हैं कि स्पष्ट रूप से इसमें हम ब्रजभाषा के प्रारंभिक रूप के दर्शन पाते हैं। किसमें? एक तो अमीर खुसरो के और मत्स्येन्द्र नाथ के, इन दोनों में हम पाते हैं। मत्स्येन्द्र नाथ का था जो भी हमने लाइनें सुनाई हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखे रहिएगा क्योंकि वो लाइनें बहुत ज़रूरी हैं, आप परीक्षाओं में आपके उपयोग में आएंगी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो एक विष्णुदास जी थे इस ब्रजभाषा के बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए, पहले जो महत्वपूर्ण कवि हुए, ये इनकी जो सूरपूर्व के समय की जो ब्रजभाषा है या इनके पद लिखने की जो एक परंपरा है या इनकी जो शैली है ये सूरदास से काफ़ी मिलती है। विष्णुदास के एक पद को देखिए, विष्णुदास का पद है मोहन महलन करत बिलास, कनक मंदिर में केल करत हैं और को नहीं पास। मोहन महलन करत बिलास, कनक मंदिर में केल करत हैं, कनक मंदिर में केल करत हैं और को नहीं पास। ये ऐसे ही है जैसे सूरदास कविता लिखते थे। सूरदास का जो काव्य है, छंद है, उसकी जो शैली है एकदम लगभग ऐसे मिलती है, ऐसा लगता है कि बालक सूरदास कविता लिखने का प्रयास कर रहे हैं।
मोहन महलन करत विलास, कनक मंदिर में केल करत है कौर को नहीं पास। तो इस तरह से एक चलती हुई भाषा के रूप में जो परंपरा थी ब्रजभाषा की, ये चलती रही। लेकिन इसमें जो परिवर्तन आता है उसमें तब आता है जब वल्लभाचार्य को अपना क्षेत्र गोवर्धन और गोकुल बनाने का स्वप्न आता है। उस समय ये जब यहाँ मंदिर में आकर के गोवर्धन दास वल्लभाचार्य जी अपना स्थान बनाते हैं, और उनके पुत्र विट्ठलनाथ, उनके पुत्र जो थे विट्ठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप की स्थापना से सूर जो एक कह सकते हैं जो ब्रजभाषा के दिन थे वो एक पीक पर या कह सकते हैं कि चरम पर पहुंचने प्रारंभ हो गए। जैसे सूरदास के युग के रूप में जो इनके अष्टछाप के कवि थे, अगर हम देखें तो अष्टछाप में सूर दास, कुंभन दास, नंद दास, परमानंद दास, कृष्ण दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 लोगों का अष्टछाप था। इन 8 लोगों ने ब्रजभाषा को, इसमें सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की, और इन्होंने ब्रजभाषा को एक कह सकते हैं कि उसके चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। सूर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने कहा कि वात्सल्य और श्रृंगार की रचनाएं इस तरह से सूरदास जी ने लिखी हैं कि बाद के कितने भी कवियों ने ब्रजभाषा में लिखी हैं, वात्सल्य और श्रृंगार की जो भी रचनाएं लिखी गई हैं वो सूरदास की झूठी प्रतीत होती हैं। यानी इस स्तर तक कि किसी ने भी आज तक लिखने का प्रयास भले किया हो, लेकिन इस स्तर तक कोई सूरदास के स्तर तक पहुँच नहीं पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रजभाषा भले ही चलती भाषा थी, लेकिन जब सूरदास जी ने उसको लिखा तो ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई इसे प्रारंभिक दौर से चलती हुई भाषा से उठ करके आई हुई ब्रजभाषा। ऐसा लगता है कि संपूर्ण पराकाष्ठा के साथ कोई भाषा चलती हुई कोई भाषा थी जो एक प्रतिष्ठित साहित्यिक रूप प्राप्त कर ली हो। सूरदास ने मूलतः 3 शैलियाँ अपनाई। एक तो उन्होंने अपनाई तत्समी शैली, तत्सम शैली, दूसरी थी उनकी मुहावरेदार शैली, और तीसरी शैली उन्होंने जो अपनाई वो थी वाक् वाग् विदग्धता की शैली। विदग्धता तीनों में उन्होंने उत्कृष्ट रूप से पदों की रचना की। सूर सागर इनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसी में तत्समी शैली के रूप में एकाध पद अगर हम देखना चाहें, तत्समी शैली को अति मलिन वृषभान कुमारी, हरि श्रम जल अंतर तन भीजत, तालालच न धुआवत सारी। अति मलिन वृषभान कुमारी, राधा के विषय में कहा जा रहा है जो कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी हैं। अति मलिन वृषभान कुमारी, ता श्रम जल अंतर तन भीजत, तालालच न धुआवत सारी। यानी उनके वियोग में जो अश्रु और निकल रहे हैं उससे उनका जो अंतर्मन भीग रहा है, उससे शरीर में पसीना या शरीर जो भीग रहा है उससे उनको जो अतीव आनंद होता है उसकी वजह से वो अपनी साड़ी नहीं धुलाती हैं, इस वजह से वो मलिन दिखाई और मलिन दिखाई पड़ती हैं। तो ये भाषा आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अति मलिन वृषभान कुमारी। तो ये तत्समी शैली, इस तरह की शैली तत्समी शैली। दूसरी है मुहावरेदार शैली। मुहावरेदार शैली को अगर हम एक उदाहरण के रूप में देखें तो इसमें हम महत्वपूर्ण रूप से ये देख सकते हैं तत्समी शैली में, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, निरखत
अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, लोचन जल कागद मस मिलके होई गई श्याम श्याम की पाती। लोचन जल कागद मसी मिलके होए गई होए है होए गई श्याम श्याम की पाती। ये मुहावरेदार इसमें मुहावरा का उपयोग किया, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, लोचन जल कागद मस मिलके होए गई श्याम श्याम की पाती। यहाँ पर ये जब उत्प्रेक्षा करते हैं तो उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा करते ही चले जाते हैं। इसके अलावा रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास इनके पसंदीदा अलंकार हैं और इससे इनकी सुंदरता, इनके काव्य की सुंदरता लगातार बढ़ती जाती है। इसके अलावा वाक् विदग्धता की शैली के लिए तो ये फेमस ही हैं। गोपियाँ जब उद्धव आते हैं कृष्ण का संदेश लेकर के, तो गोपियाँ उनको किस तरह से कैसे उनको छकाती हैं ये हिंदी साहित्य का विद्यार्थी अच्छी तरह जानता है, क्योंकि सूरदास का जब वो पढ़ता है, निर्गुण कौन देश के वासी, को है जनक जननी को कहियत, इस तरह से तमाम सारे आपको पद मिल जाएंगे जो उनकी वाग् विदग्धता शैली को स्पष्ट रूप से बताते हैं। इसी तरह सूरदास जी ने लगभग समस्त वात्सल्य और श्रृंगार के ब्रज भाषा को वात्सल्य और श्रृंगार की चरम अभिव्यक्ति पर पहुंचा दिया, इस तरह के इस स्तर पहुंचा। हालांकि बाद में खड़ी बोली ने जिस स्थिति को प्राप्त किया वो ब्रजभाषा इसीलिए नहीं प्राप्त कर पाई कि इसमें इसकी जो मानक रूप था, या कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड रूप था, वो इसी में समाहित वात्सल्य और श्रृंगार में ही संपूर्ण रूप से विकसित हुआ, अन्य रूप में विकसित नहीं हो पाया, जबकि खड़ी बोली ने अपने आप को अन्य भाषाओं या अन्य विधाओं के लिए भी विकसित किया। इसके अलावा अन्य जैसे परमानंद दास हैं, नंददास हैं, इनके भी एकाध पद अगर हम देखते हैं तो नंददास का एक पद है, नंददास के पद को अगर हम देखें तो जो उनके गुण नाहीं और गुण भये कहाँ थे, जो उनके गुण नाहीं और गुण भये कहाँ थे, बीज बिना तर्जमय मोह तुम कहो कहाँ थे, बीज बिना तरु जमय मोह तुम कहो कहाँ थे, जो उनके गुण नाहीं और गुण भये कहाँ थे, बीज बिना तर्जमय जमय मोह तुम कहो कहाँ थे। इसके अलावा परमानंद दास की एक देख लीजिए, मोहन वह क्यों प्रीति विसारी, मोहन वह क्यों प्रीति विसारी, कहत सुनत समुझत अंतर, कहत सुनत समुझत उर अंतर, कहत सुनत समुझत उर अंतर, मोहन वाह क्यों प्रीति विसारी, कहत सुनत समझत उर अंतर, एक लाइन है और, दुख लागत है भारी, दुख लागत है भारी। इस तरह से हम देखते हैं कि परमानंद दास हों, कुंभन दास हों, इन लोगों ने भी एक ब्रजभाषा के एक मानक रूप में इन लोगों ने अपनी रचनाएं की। ब्रजभाषा सूरदास के बाद जो ब्रजभाषा थी, अभी तक जो
भक्तकाल के संत थे, भक्तकाल सूरदास का समय जो है भक्तकाल का समय है। सूरदास इस समय जो है जो कवि थे वो मूलतः भक्त थे और गौड़तः कवि थे। क्या थे? मूलतः भक्त थे और गौड़तः कवि थे, लेकिन रीतकाल जब आता है तो अब श्रृंगार प्रधान जो काव्य होता है श्रृंगार प्रधान हो जाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे शासक होते हैं थोड़ा सा स्थिरता रहती है, छोटे छोटे जो सामंत होते हैं वो भी बड़े राजाओं की नकल करते हैं, महाराजाओं की नकल करते हैं, अपने दरबार में चारण भाट रखते हैं, वो उनके प्रशंसा में कविताएं कहते हैं। चूंकि उनके पास समय नहीं था तो रीतकाल में आप पढ़ें कैसे कैसे क्या है कि किस तरह से वो अपनी कविताओं कविता के माध्यम से उनको सीख देने का प्रयास कर रहे थे जो समय जो कवि थे। रीतकाल में श्रृंगार ऐसा विषय जो सबके दिमाग में आराम से घुस जाता है, और राजाओं को भी आसानी सिखाने के लिए कवियों ने श्रृंगार का माध्यम लिया, और ब्रजभाषा श्रृंगार को अभिव्यक्त करने के लिए भक्तकाल में बहुत अच्छी तरह से परिणित हो चुकी थी। अब दो चीज़ें हैं, एक तो भक्ति और दूसरी श्रृंगार। अब इस समय के कवि जो चूँकि मूलतः कवि थे, गौड़ता श्रृंगार इनके श्रृंगार मूलतः कवि थे इसलिए श्रृंगार इनकी प्रधान या मानक भाषा थी, गौड़ता भक्त थे, तो उनका ये कहना था, भिखारीदास जैसे कहते हैं कि भिखारीदास का कहना है वो कहते थे कि मतलब जैसे भक्ति जो अगर कविता बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो राधिका कन्हाई को सुमिरन तो बहानो है। तो इस तरह से इसके अलावा वो ये भी कहते थे कि उस समय ब्रजभाषा अपने व्यापक रूप में फैली, ब्रजभाषा है तो ब्रजभाषा ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी है सो जानिए, ब्रजभाषा ही मत अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी है तो जानिए। तो इस तरह से द्वितीकाल में ब्रजभाषा बहुत ही अधिक अभिव्यक्ति के रूप में अभिव्यक्ति अपना प्राप्त करती है। इसमें हम बिहारी की कविताओं को देखें, बिहारी के पद को देखते हैं, कहत नटत रिधत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैने नहीं सो बात। जो बिहारी की भाषा है इसमें कई विदेशी पश्चिमी कवियों को कहना पड़ा कि इस तरह से अभिव्यक्ति या इस तरह से गागर में सागर भरने वाली जो पद्य हैं इस तरह से पूरे विश्व में मिलने असंभव है। हालांकि उन्होंने 700 पद लिखे हैं सतसई बिहारी सतसई, लेकिन उस सतसई की जो एक रूप था वो पूरे समस्त विश्व में बहुत व्यापक रूप से प्रचलित था। अगली जो भाषा है, अगला जो है रीतकाल के बाद जो ब्रजभाषा का रूप हुआ, इस समय जो श्रृंगार था श्रृंगार अपने चरम पर था और श्रृंगारिक रूप जो है व्यक्त करने में ब्रजभाषा ने अपनी ब्रजभाषा की वजह से ही श्रृंगार अपने उन्मुक्त रूप में रीतकाल में व्यक्त हो पाया। जो अवधि जिस तरह से नैतिकता और लोकमंगल की भाषा थी उस तरह से ब्रजभाषा श्रृंगार और वात्सल्य की भाषा बन गई। अगला जो समय आता है रीतकाल के बाद की ब्रजभाषा, तो रीतकाल के बाद हम जानते हैं आधुनिक काल शुरू होता है। आधुनिक काल के प्रारंभिक कवियों में जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इन्होंने जो गद्य लिखे वो तो है खड़ी बोली में, लेकिन पद्य के लिए उन्होंने कहा कि मैंने बहुत प्रयास किया खड़ी बोली में पद्यों की रचना करूं, लेकिन मेरे चित्तानुसार ये नहीं बनी। जैसे उनकी जो भारत दुर्दशा के पद्य हैं जैसे सुनिए, उसका जो रोवो सब मिलके आवो भारत भाई हाहा भारत दुर्दशा देखी जाई, यहाँ लिख देते हैं रोवो सब मिलके आवो भारत भाई हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई, रोवो सब मिलके आवो भारत भाई हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। उन्होंने बहुत प्रयास किया उस समय, कवियों ने लगभग सबके पद्य की भाषा यही थी, लेकिन गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, यानी खड़ी बोली अपना पांव पसार रही थी
और ये जो छायावाद का युग है, छायावाद ने काव्य में एक छायावाद ने जो परिवर्तन किया, काव्य में सरसता, श्रृंगारिकता, वात्सल्य सब कुछ या शब्द परिवर्तन के माध्यम से एक उसने उन्नत रूप प्रदान किया खड़ी बोली को, और काव्य के लिए सर्वथा उपयुक्त हो गई। ऐसे में जो ब्रजभाषा थी साहित्यिक भाषा के रूप में या काव्य भाषा के रूप में एकदम से उतर गई। इसी कड़ी का अगला वीडियो अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास है। ये दोनों प्रश्न, ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है हिंदी साहित्य में, पीसीएस में भी, आईएएस में भी, अन्य राज्य सेवाओं की जो ऑप्शनल पेपर हिंदी साहित्य लिए उनमें भी। तो वीडियो अगर आप अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।